2019 के अंदर हमने सबसे पहले गिर के अंदर लाइन को रेडियो कॉलर किए थे। उनकी जो सक्सेस मिली उनको देखते हुए ये जो डेटा मिला हमें रेडियो कॉलरिंग से, वो काफ़ी हमें मैनेजमेंट में हेल्पफुल हो रहा है। तो उसके बाद ये सक्सेस के बाद हमने वल्चर्स को सैटेलाइट टेक किए हुए हैं, लेसर फ्लोरिकन को टेक किया है, और अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है लेपर्ड को रेडियो कॉलर पहनाने का, जिसके अंदर अभी तक हमने 2 लेपर्ड्स को रेडियो कॉलर पहनाए हैं और अभी 3 और को रेडियो कॉलर करने का प्लानिंग में है। ये हम उस एरिया को आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ के मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, पर्टिकुलरली लेपर्ड्स है, उस एरिया के लेपर्ड को पकड़ के हमने रेडियो कॉलर किए हैं और मुक्त किए हैं। ये रेडियो कॉलर से हमें ये डाटा मिलेगा कि ये लेपर्ड कितना एरिया में घूम रहा है, दिन में कहाँ घूम रहा है, रात को कहाँ घूम रहा है, वो उसका हैबिटेट प्रेफरेंस क्या है, वो कहाँ रह रहा है, और इसकी मूवमेंट कौन से भाग में कितनी है। तो ये जो जानकारी मिलेगी वो हमें फ्यूचर में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये फॉरेन से इंपोर्ट किया हुआ रेडियो कॉलर है, ये सैटेलाइट के थ्रू हमें सिग्नल भेजेगा। तो ये हर एक एनिमल के लिए स्पेशल ऑर्डर देके रेडियो कॉलर करना पड़ता है, क्योंकि एनिमल के वेट के ऊपर रेडियो कॉलर का वेट डिपेंड करता है। तो ये हमने इंपोर्ट किया हुआ है, उसकी एक रेडियो कॉलर की प्राइस जो है वो ₹5,00,000 के। गिर लैंडस्केप में लेपर्ड्स का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, एसिटिक लाइन लैंडस्केप जिसको हम बोलते हैं उसमें से। तो काफ़ी टाइम से ये था कि हम लेपर्ड्स के बारे में, इसका किस तरह से मूवमेंट होता है, किस तरह से एक्टिविटी रहता है, क्या रहता है, इसके बारे में एक प्रोजेक्ट लिया ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड में। तो लेपर्ड्स के कोलरिंग करने का एक सोचा गया और ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल, प्रॉपर जो अप्रूवल लेने के बाद में हमने इसको आगे बढ़ाया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत में अभी तक 2 लेपर्ड रेडियो कॉलर कर दिए गए, टोटल 5 लेपर्ड करने हैं, रेडियो कॉलरिंग करने हैं। इसमें से काफ़ी अच्छी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आगे मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कंजर्वेशन वर्क कैसे करना है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से आगे इसमें से हेल्प मिल सकता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो इससे रिड्यूस हो सके। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है और आशा है कि इसमें से बहुत अच्छे से साइंटिफिक डेटा मिलेगी, जो कि आगे इस तरह की जो मैनेजमेंट पर्पज में काफ़ी यूजफुल है।